नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं गुरुकृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों आज हम इस सेकंड ग्रेड की जो कल के सारे दिन की कवरेज और जो अखबार न्यूज़ की जो कवरेज है वो इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे द्वारा क्या प्रयास आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और हम सब्सक्राइब के दोस्तों पैसे नहीं लगते, ये फ्री होता है और हमारी कवरेज आपके पास पहुंच जाए, हमारी टीम और ज़्यादा मोटिवेट होती है, ये बात है। अब दोस्तों ये देख सकते हो कि कल वसुंधरा जी को भी ज्ञापन दे दिया गया है और उनसे निवेदन कर लिया गया है कि मैडम इस चीज़ को अनदेखी मत करो, हम सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं। पूरे राजस्थान में इन्होंने जो युवा वर्ग जो चयनित सेकेंड ग्रेड है कल के दिन पूरे राजस्थान को हिला दिया। और ये आप देख सकते हो कि जिला कलेक्टर जो आरती डोगरा जी है वो जा रहे थे खाना खाने के लिए, लेकिन वापस रुके और इनकी बात सुनी और ज्ञापन लिया और ये संबोधित कर रहे हैं कलेक्टर के सामने, आप देख सकते हो। ये परनामी जी है जो चयनित अभ्यर्थियों के विरोध और विद्रोह और उनके नारे को सुनकर इन्होंने पूरी बात सुनी और इन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन मैडम का कोई विशेष आश्वासन नहीं है, ये आप देख सकते हो। ये परनामी जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, चारों ओर गूंज उठी सेकंड ग्रेड को नियुक्ति दो, सेकंड ग्रेड को नियुक्ति दे। और इधर वसुंधरा जी मंच पर कह रही है शिक्षकों की कमी को हमने सरकारी को हमने दूर किया है, जगह जगह स्कूलें बंद हो रही है और जो सेकंड ग्रेड के चयनित है वो भटक रहे हैं पिछले 6 माह से। और ये कल मौन रैली निकाली थी जो धरनास्थल से लेकर कलेक्ट्रेट तक और हजारों की संख्या में तादाद में चयनित अभ्यर्थी देख सकते हो दोस्तों। ये भीड़, इस भीड़ में कमी एकमात्र है कि जो चयनित है वो घर बैठे हैं और वो वीडियो देख रहे हैं, ये कमी उनकी है दोस्तों। बिल्कुल बच चुका है और इतने दिन तो सरकार की अदालत में अपने को जाना होता था और मंत्रियों के और जितने भी है जितने आज तक धरना प्रदर्शन किए जितने भी दिए थे अपन गए थे, अब सरकार खुद जनता की अदालत में आई है और जनता से घूम घूम के वोट मांग रही है। तो अब भी अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, ये देख सकते हो महिला शक्ति भी कितनी आई हुई है, हम महिला शक्ति को सलाम करते हैं, ये देख सकते हो आप। जब महिलाएं घर से बाहर निकल सकती है तो 7,500 की जो हुजूम है वो घर पे बेटा क्या कर रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हो ये भीड़ अभी तक की सबसे भारी भीड़ है ये, और सभी ने ये ठान लिया। और आज 21 चयनित बेरोजगार आज भूख हड़ताल पर हैं, बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। एक दिन भूखा नहीं रह सकता कोई आदमी, लेकिन ये नौकरी के लिए और आपके लिए भूखे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि धरना स्थल पर पहुंचे। और सरकार को ये आप दे सकते हो कि कोर्ट के अधीन नियुक्ति दो, ये इनका जो सातवें आसमान पर है, इन्होंने कल हिला के रख दिया सरकार को, ये आप देख सकते हो। महिला शक्ति और पुरुष और ये मीना शर्मा जी है, इन्होंने कल वसुंधरा जी को और ये आप देख सकते हो पूरा पूरा हुजूम, इन्होंने कहा है कि हमको जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। और ये आज के अखबार की कवरेज है दोस्तों, देख सकते हो ये पूरी भीड़, बहुत ही अच्छा कवरेज दिया है पत्रिका की रिपोर्ट। और देख सकते हो आज ये अनशन पर बैठेंगे किरण शर्मा, सविता दीक्षित, शिवराम पवन, कुमार नंगलिया, सुखराम मीणा, गुरुदीप बलाई, स्वामी नायक, राकेश संगी, कैलाश भैया, हरकेश मीणा, अशोक मीणा, शिवराज मीणा, ब्रजेश वर्मा, ध्रमवीर बेरवा, महावीर और कार्पेटर दोस्तों, कुछ पूरे नाम नहीं आ चुके हैं। 21 कैंडिडेट ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी कवरेज दी है अखबार वाले को, अभी हम धन्यवाद देते हैं। ये नव ज्योति इन्होंने भी बहुत अच्छा, देखो ये आप पूरा हुजूम, आज से 21 बेरोजगार करेंगे आमरण अनशन।
जिसमें महिला शक्ति भी शामिल है, दो महिलाएं भी शामिल है, और इन्होंने जुलूस निकाला। ये देख सकते हो आप, चार विषयों के जो 50% जो विषय थे उनके ज्वाइनिंग दे दी गई है। दोस्तों, अब कमी मात्र एक ही है कि जो घर में बैठे हैं वो वीडियो देख रहे हैं और वो नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, गुरु कृपा टीम आह्वान करती है कि दोस्तों समय आ गया है बिल्कुल बजाने का, और जब समय रहते हुए आप अगर कुछ नहीं करोगे तो बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों समय पर पहुंचो। अब देखो युवा शक्ति और इनका जोश चरम पर है, और गुरु कृपा टीम भी इसका पूरा कवरेज दे रही है आपको। और तो हमारा निवेदन यही है कि अधिक से अधिक अजमेर पहुंचो। अब दोस्तों हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।